हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक वर्ग दो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आज से ठीक 15 से 17 दिन की दूरी पर खड़ा है। 10 जून को ये पेपर होने वाला है और हजार स्टूडेंट, या कहना चाहिए लाखों एस्पिरेंट में हजारों स्टूडेंट के भाग्य का यहाँ पर समझ लीजिए कि निर्धारण होगा। आप लोगों की मेहनत का पता चलेगा। पर हाँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर अभी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर, जैसे जो लोग स्पेशली वर्ग एक की तैयारी में लगे थे और अंततः वहाँ पोस्ट नहीं आया, तो वो लोग को बहुत कम समय मिला, क्योंकि एग्ज़ाम भी 6 मई को फॉर्म खोल रहा है, 10 जून को एग्ज़ाम है, तो हार्डली 30 से 35 दिन का समय मिला ही था, जिसमें आधा दिन जा चुका है, आधा समय ही बाकी है। तो अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए कि फाइनली हम लोग सर कैसे भी करके पोस्ट पा जाएँ, क्योंकि वर्ग दो टीचर एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में जाना जाता है, अच्छी सैलरी रहती है, सरकारी नौकरी का तबका लगे रहता है, मान सम्मान अलग से मिलता ही है, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर, रणनीति पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को अभी के समय में करनी चाहिए, परीक्षा की तैयारी क्या होगी, सफलता की रणनीति कैसे बनाओगे, और अंतिम समय में आपके प्रिपरेशन का मॉड्यूल कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का आज आप लोग को जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर। बस इतना बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर करना, ये सारे वीडियोज़ आप लोग को एग्ज़ाम के, आपके पोस्ट के बिल्कुल पास पहुँचाते जाएगा। और इन चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करते रह गए, ओबे करते रह गए, तो आप यकीन मान लीजिए आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आपने अच्छी तैयारी की है, आपने नहीं की, अगर आप आज से भी तैयारी कर रहे हो 15 दिन के अंदर, तो भी आप समझ लीजिए कि आप लोग इतिहास रच दोगे अपना। और हम इसलिए ये बात बोल पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने अलग अलग स्टेट में इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश वर्ग दो में मेरे से जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे, सैकड़ों स्टूडेंट जुड़े थे भैया, तो उनमें से 95% स्टूडेंट ने पात्रता परीक्षा वहां की क्लियर की है, जबकि वहां तो केवल समझ लीजिए खाली साइंस मैथ्स ही मैथ्स, इस टाइप का टफ लेवल आता है। फिर भी वहां पर धूम मचा दिया बच्चों ने। आप YouTube पे जाके मेरे वीडियोस में कमेंट पढ़ लीजिए, दिल से बच्चों का आता है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शानदार जीत, जीत फाउंडेशन की एक और, ठीक है, एक जीत एक शानदार जीत और, ठीक है। अब देखिए, वो बच्चों का मैसेज है, रिजल्ट बोलता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के भी जितने स्टूडेंट हैं, आप सबकी तैयारी के लिए भी यहां से जो 15 से 17 दिन होने वाला है दोस्तों, जीत फाउंडेशन की पूरी टीम, क्योंकि आपने हमें 50,000 सब्सक्राइबर की सौगात दी है, तो जीत फाउंडेशन की पूरी टीम दिन रात अब आप लोगों के साथ काम करने को तैयार है। तो इस कड़ी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में तैयारी एक एक सब्जेक्ट की कैसे करनी है। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, या दिन की तैयारी अभी भी उस मूर्त रूप को प्राप्त नहीं की है कि कॉन्फिडेंस लेवल बना दे, वो सारे लोगों को भी एग्जाम कैसे स्कोर करना है ये मैं आज आप लोगों को बताने जाऊंगा। इसके ऊपर और भी सीरीज के मैं वीडियो समय समय पर लाते रहूंगा। एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि मैराथन सीरीज जो हमारा चल रहा है ना सर, जिसमें लगभग मान के चलो कि 200+ क्वेश्चन होंगे, वर्ग दो वर्ग तीन एक साथ वहां पर मैराथन सीरीज चल रहा है, वर्ग दो को डिजाइन करके, इसलिए 150 की जगह पे यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 200 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वर्ग दो और वर्ग तीन में कुछ सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, वहां पर्यावरण होता है, यहां पर आप लोग को साइंस अलग से पढ़ना पड़ता है। तो मिला जुला के सबके 30-30 इंडिविजुअल क्वेश्चन को हम मिला के 210 के आसपास या 180 के आसपास आप लोग के क्या आएंगे, पूरे क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। इस वीडियोज को आप सभी जरूर देखें जो मैराथन सीरीज चल रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। लाइव अगर होता है ना, तो भैया आप सोते भी रहें, आप उठकर आके बैठ जाएं, क्योंकि भैया ये जो क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, आप यकीन कीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि रिसर्च बहुत हाई लेवल का करता है जीत फाउंडेशन। इसलिए ना, अभी मध्य प्रदेश में आप जाके देखोगे, बच्चों ने कमेंट किया है कि सर, लग रहा था पेपर आप सेट करके आ गए हो। हर वो चीज ऐसी नहीं आई थी जो पेपर में, ऐसी एक भी चीज नहीं आई थी जो आपने पढ़ाया नहीं था, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक चीज वहां क्वेश्चन बन के दिख रहा था, लग रहा था सर पेपर ही आपने बनाया। वहां वर्ग एक का भी यही हाल रहा, वर्ग दो का भी यही हाल रहा। तो भैया यहां तो समझ लीजिए, ये तो अपना राज्य है, अपने बच्चे हैं, अपन पूरा मेहनत करेंगे। और मेरे साथ ये एक चीज जुड़ी हुई है कि अगर हम मेहनत अपना बेस्ट दे गए, तो वो चीज बेस्ट है, अनकम्पेयर है, सीधा क्वेश्चन वहां से लड़ सकता है, इस चीज का मैं भरोसा दे सकता हूं। कोई भी टीचर इस चीज का दावा नहीं कर सकता, पर मुझे भरोसा रहता है कि अगर हम लोग सबसे बेहतरी से मिलकर अगर पढ़ाई कर गए, तो अब डेफिनेटली एग्जाम में आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो भैया वो लाइव सीरीज जब भी होती है, भैया सभी लोगों को जुड़ना है, हजारों लोगों को एक साथ जुड़ना है, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा हम लोग को प्यार दोगे, स्नेह दोगे, हमारी ऊर्जा भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और हम भी उतने ही मेहनत से आप लोग के बीच में काम कर पाएंगे। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को YouTube पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भैया जुड़ना है, ठीक है। बाकी इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो चलो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना बोल रहा हूं कि भैया सीधा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ये बस आप लोग समझ जाओ। अगर इस पूरे 15 दिन की सीरीज में
अगर आपने वहां से आए हुए 70-75 क्वेश्चन भी एग्जाम में देख लिए भैया पार कर जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो और बेहतरीन रिस्पांस ला सकते हो। अब चलो दोस्तों एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कैसे हम स्कोर करेंगे, कैसे हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, या कितना पढ़ना है, किस चीज में कितना छोड़ना है। तो देखो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा बहुत लोगों को ये पैनिक करता है। कारण यह है कि सिलेबस में बड़ी वैरायटी रहती है, पर मैं इतना समझता हूँ दोस्तों, मैं इतना समझता हूँ कि ये जो 30 नंबर आता है ना, कोई स्टूडेंट ने बाल विकास शिक्षण शास्त्र छुआ भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो 10 से 15 क्वेश्चन बना लेता है। पर मुद्दा ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी आपको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने मिलते हैं, व्यक्तित्व आधारित प्रश्न होते हैं, और आपको साफ दिखेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा। 4 में से 2 ऑप्शन तो आप हमेशा एलिमिनेट कर लोगे, 50-50 के चांस में आप सही ऑप्शन लेने में कैपेबल होगे। तो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना सर, वो भी 15 के आसपास जा सकता है। और इसमें क्या होता है, आप लोग के छत्तीसगढ़ में स्पेशली, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है कि साइंटिस्टों की थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि भैया ये सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, इसके जन्मदाता कौन थे, जीन पियाजे का ये किसका सिद्धांत है। तो ये सब के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं 100-150 वैज्ञानिकों का एक पूरा न्यूमेनिक्स के साथ एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, और वो सीरीज़ में सीधा सीधा आप लोग मान के चलिए कि पूरे के पूरे ये सारे 100+ जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिनको आप पढ़ते रहते हो, जिनकी थ्योरी आप रटते रहते हो, 100 लोगों का नाम एक बार में याद नहीं होता, और मैं दावे से बोल रहा हूँ मैं 1 घंटे की क्लास लूँगा और ये 100 नाम उनके थ्योरीज आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की क्लास होगी, मतलब कि पेपर में आने वाले 7 से 8 सवालों को उस 1 या 2 घंटे की क्लास से आप बना लोगे। बहुत ज़्यादा मैंने उस पर समय इन्वेस्ट किया है, एक एक जगह से चीज़ें कलेक्ट की हैं, उसके बाद जाके मैं उनका न्यूमेरिक्स बनाया। न्यूमेरिक्स मतलब एक ऐसा अप्रोच जिससे आपको वो चीज़ें याद रह जाए, उस वैज्ञानिक की सारी चीज़ें याद रह जाए। तो वो मैं आप लोग के बीच में दूंगा, वीडियो देखोगे मजा आ जाएगा। वीडियो अपलोड होगा, इसकी एक झलकी आप लोग बस देखना, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सवाल लगता है कि नहीं आपसे एमसीक्यू का, वो देखना। तो मैं इतना मानूंगा कि यहां पर तो भैया 7 क्वेश्चन आप और बढ़ा लो, 2 से 3 क्वेश्चन बोलोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव भी मैं करा के दे दूंगा आप लोग को, उतना कर लो। ये जो सबसे बड़ा सबसे खतरनाक पार्ट होता है ना सिद्धांत वाला, वो खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एग्जाम में वही देखने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 22 पे आप ऐसे ही चले गए, और जिसने थोड़ी बहुत, जो यहाँ पर आपको पता है सुमन मैम ने एक्सेसिव यहाँ पर क्लास पूरा कंप्लीट करा रखा है, एक्सेसिव एमसीक्यू सीरीज हुई है, उनकी एमसीक्यू को देख लीजिए भैया। हम जो आपको एमसीक्यू अपलोड कराते हैं ना, वो पूरा रिसर्च के साथ रहता है, आए हुए क्वेश्चन का बहुत जोरदार समावेशन कराते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं, अचानक से नोटिफिकेशन है, अचानक से एग्जाम हो रहा है, तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ भी ऐसा रहता है कि आयोग कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करता है। तो आपको बस इतना है कि जितनी चीजें हम आपको करा के दे रहे हैं, आप यकीन कीजिए उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो पूरे भरोसे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो इतना मैं मानूंगा कि भैया ये जो 30 नंबर है ना, 30 में मेरा कोई भी स्टूडेंट यहां पे 22 से 25 नंबर तक स्कोर करेगा, 22 से 25 नॉर्मल स्टूडेंट ना, जिन लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भैया वो तो भैया पूरा फोड़ फाड़ के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 नंबर का है, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग लाओगे ही लाओगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, अरे 20 तो भैया आ रहा है, इतना तो मैं मान रहा हूँ, सबसे सबसे जो खराब भी प्रदर्शन कर रहा है उसके भी 20 आ रहे हैं। अब बात आती है हिंदी की और इंग्लिश की, इसकी 25 अंक है सर और इसके भी 25 अंक है। तो हिंदी में ऐसा है सर कि हिंदी में सर आप लोग को लगभग हमारे ऐप पे सारी चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट करा के दी गई हैं। इंग्लिश में भी बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय शिक्षिका का वहाँ पर आप लोग को मार्गदर्शन मिला है। इसके अलावा एक चीज़ आता है सर, वो होता है पैसेज वाला सेक्शन, ठीक है, जिसके इंग्लिश में भी आपको पता है करीब पैसेज के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन आ जाने हैं, और हिंदी में भी वही सेम सीन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना रहेगा, मतलब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपसे चीज़ें सही में पता है तो आप बनाओ, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है ना, जो सब लोग को डराता है, जिसकी कोई स्पेशल क्लास नहीं कराई जाती है, मैं आपको इस पर स्पेशल क्लास करा के दूंगा। ऐप के ऊपर मेरे कम से कम इंग्लिश के कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे लेना है कि भैया 90-95% हमारा हमेशा सक्सेस रेट बने, हमेशा सवाल सही लग जाए, क्योंकि भैया दाव पे यहाँ पे 10-10 सवाल लग रहा है, मतलब मिला के देखोगे तो 15-20 सवाल का ये हिसाब रखता है आपका पैसेज अपरिध्यास वाला। तो यहाँ पर उनको सफल करना है, उनको सही करना है, नेगेटिव स्कोर में नहीं जाना है, क्योंकि हड़बड़ी में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, आया हुआ मार्क्स लूज कर देते हैं। तो इनकी तैयारी मैं कराऊंगा 50-50 के आसपास में आप लोगों को पैसेज करा के प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और वो मान के चलिए कि ये जो क्लास है ये कल से ही चालू हो जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। तो जिन लोग भी नहीं हैं यहाँ पर, मान के चलो कि भैया 20 क्वेश्चन
15 से या 15 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग समझ लीजिए कि हर स्टूडेंट सही बना के आएगा। जिनके कॉन्फिडेंस हो कि हाँ वो बना लेंगे, वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जो ऐप पर अपलोड होगा। कारण यही है क्योंकि ये वो जोन है जिसमें स्कोर आप लोग को करना ही करना है। और ऐप पे जुड़ने के लिए आप सबको पता है अभी भी टोटल पूरा वर्ग दो का, वर्ग तीन का केवल 999 रुपये में आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अपलोड हो रहा है। टेस्ट में आपको पता है सर, हमने 100 से ज़्यादा 100 प्लस टेस्ट वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। फुल लेंथ टेस्ट अलग से जा रही हैं और ये फुल लेंथ टेस्ट भी कम से कम 20 ठोक फुल लेंथ टेस्ट जाएंगी आपकी, 20 फुल लेंथ टेस्ट। जो केवल टेस्ट सीरीज लेता है वो भी अलग से चार्जेस है, बहुत नॉमिनल चार्ज, 100-200 में हमने पूरी तरह से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। कल तो ऑफर था तो वहाँ पर हमने और भी चीज़ें आप लोगों को गिव अवे किया हुआ था, ठीक है। और बहुत खूबसूरत बात है कि कल एक दिन में ही बहुत से स्टूडेंट जीत फाउंडेशन के टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब किए थे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, फीस उसका कोई सीन नहीं है। एक बार लग जाओगे सर इसका ना 30 गुना सैलरी आप हर महीने उठाओगे, ताउम्र उठाओगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। बल्कि आइए गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान में आप सबको पता है सबसे विश्वसनीय नाम जीत फाउंडेशन क्लासेस होता है। जिसने भी अगर हमारे पूरे लेक्चर्स को अटेंड किया है, एक दो टॉपिक अगर मैथ्स में मिसिंग होंगे सर उसको मैं आजकल मैं अपलोड करवा दूंगा। जो 30 अंक है मैं भरोसा करता हूं। अच्छा ये जो 50 अंक है इसमें तो मैं स्कोर करता हूं कि भैया कोई भी स्टूडेंट मेरा 40 प्लस तो पक्का स्कोर करेगा। मैं तो बोल रहा हूं 45 स्कोर करेगा। इंग्लिश में थोड़ा सा तुम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हो इसलिए अपने आप को थोड़ा कम आंकते हो, बट मुझे भरोसा है वहां जाके आप अच्छा करोगे। मैथ्स में तो मैं बोल रहा हूं कि भैया जिसने मेरा साइंस कवर किया है, जिसने मैथ्स कवर किया है उसके 30 में 25 से नीचे तो अंक आने ही नहीं चाहिए। स्पेशल मैथ्स की सीरीज चली रही है या जो मैराथन चल रहा है सर उसमें मैं जो मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आप लोग कंपलसरी उसको अटेंड करो। हो सकता है वो सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने मिले या उस टाइप के क्वेश्चन देखने मिले। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों इस चीज को लेके, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद हम आपके बीच में लाते हैं। पहले हम एग्जाम को पैटर्न समझते हैं और आखिरी के 15 दिन हम आप लोग के पीछे इतना मेहनत करने वाले हैं कि आप समझ जाइए कि आपको सिलेक्शन दिला देगा। बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। जब मैराथन की लाइव होती है, लाइव होने के शुरू के 2 मिनट के अंदर आप भैया कम से कम 500 लोगों को लाइव में जुड़ जाना है, क्योंकि जितना एनर्जी आप लोग की ओर से हमको मिलेगा भैया हम उतना काम आप लोग के लिए करेंगे, रात रात दिन दिन एक कर देंगे, आप लोग को सफल करा के देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान। देखो ये है डेंजर जोन, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान में सर 4 सेक्शन हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आप लोग का पॉलिटी है और जो थोड़ा बहुत हमारा CGGS भी आ ही जाता है इसमें। एक बात बोलूँगा सर, ये पूरा मिला जुला के आप लोग का कितने नंबर का है सर, केवल 20 नंबर का है। केवल कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। जितने ऐप पे वीडियोस अपलोडेड है पॉलिटी के आप केवल उतना कर लीजिए, 4-4 नंबर का सबका हिस्सेदारी रहेगा, साइंस भी इसी में रहेगा मान के चलो। तो ये 4 नंबर तो आपके पूरे यहाँ से कवर हो जाने हैं। जो हिस्ट्री है ये भी ऑलमोस्ट कवर है पूरा। इकोनॉमिक्स में हमने आप लोगों के लिए भले ही 23 वीडियोस डाल रखे हैं पर मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि भैया इसमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। 4-5 नंबर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जितना टाइम आप लोग को एक इकोनॉमिक्स कवर करने में लगेगा उतने ही टाइम में आप सर पूरी तरह से कंप्यूटर कवर कर लोगे जो आप लोग को 10 नंबर दिला देगा, या उतने ही टाइम में आप पूरी तरह से हिंदी पढ़ लोगे जो आपको 25 अंक दिला सकता है। तो जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है भैया वो बड़ी अच्छी बात है, आप रिविज़न में रहिए। बट जिन्होंने तैयारी नहीं की है और डर रहे हैं कि सर सोशल साइंस तो हमारा हुआ ही नहीं है, तो इस डर को अपने ऊपर अगर हावी हो जाने दोगे ना सर, अपने ऊपर हावी हो जाने दोगे तो पूरा ही आपका एग्जाम बिगाड़ देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम टाइम में क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्या छोड़ देना है। तो जो सब्जेक्ट आपके अभी नहीं हुए होंगे सिंपली स्कीप इट, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए आप आगे बढ़िए। आपको मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा 7-8 नंबर का नुकसान होगा, वही नुकसान आप बाकी सब्जेक्ट में पढ़ के 30 नंबर प्लस करा सकते हो खुद का। तो इस स्ट्रेटेजी को रखो, आप कितना पढ़ के गए, आप कितने टैलेंटेड है, आपके बुद्धि में कितना ज्ञान भरा है, इस चीज का ऑब्जेक्टिव एग्जाम टेस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम और आपको सीट इस बात में मिलेगी कि 150 में आपके अंक कितने आए थे। 150 में अगर आपके 110 अंक आए थे भैया आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपका पोस्ट नहीं रोका जाएगा कि अरे यार आपने सोशल साइंस में तो 0 पाया या आपने सोशल साइंस में तो केवल 10 ही नंबर पाया। भैया मेरे 110 है मुझे सीट मिलेगी, 120 है मुझे सीट मिलेगी, समझ में आ रहा है। अपने अपने जो कैटेगरी के हिसाब से आपके स्कोर आएंगे वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पर कि अगर ये चीज़ आप लोगों को ऑड लग रही है, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लो और उस रिस्क के टाइम को, यानी कि आप सो रहे हैं, उस रिस्क के टाइम को बाकी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर दो। वो
कॉन्फिडेंट आपको स्कोर बना के देगा ना सर, कॉन्फिडेंट स्कोर बना के देगा। बाकी कंप्यूटर, कंप्यूटर में तो मैं इतना बोलूंगा कि भैया मैंने लगभग पूरी चीजें आप लोग को अपलोड करा रखी है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे शानदार कंप्यूटर की क्लासेस मान के चलिए जीत फाउंडेशन ने प्रोवाइड किया है, और ये बात ना बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कही है। उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो कहती हैं क्योंकि उनको भी परवाह है बाकी बच्चों की, ठीक है। तो इतना तो मैं बोलूंगा कि ये जो 10 नंबर के लिए है ना, कोई स्टूडेंट केवल मेरा एमसीक्यू सीरीज करके चले जाए, भैया 26 से 27 एमसीक्यू की सीरीज कराइए, हर सीरीज में 50 क्वेश्चन है, लगभग 1300-1350 क्वेश्चन वहां पर तो केवल एमसीक्यू के हैं, बाकी टॉपिक वाइज मैंने एमसीक्यू कराया है, तो 2,000-2,500 क्वेश्चन ना आप लोग को यहाँ देखते मिलता है, व्यापम के, पीएससी के, दुनिया भर के एग्जाम का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में नहीं करा रखा है। आप खाली एमसीक्यू सीरीज करके चले जाइए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सर 10 में 10 या 10 में 8 तो आपके आना ही आना है, कोई रोक नहीं पाएगा। और इंडिया जीएस में भी अगर आप बात करोगे सर, चलो 20 में आप 10 ही स्कोर करो सर, छोड़ो इसको एकदम ज़्यादा, अगर आप लोग को ये लोड दे रहा है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, पर मान कर चलो कि अगर चीज़ें अगर नहीं हुई हैं तो आखिरी टाइम में रिस्क मत लेने जाओ, 15 दिन है, जो स्ट्रांग है उसी पे काम करो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसी पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 10 नंबर आराम से बना सकते हो, हंसते खेलते बना सकते हो, जितना अपलोडेड है, ये जो हम मैराथन सीरीज चला रहे हैं उसी में आके अटेंड कर लाओगे तो भी बन जाएगा, अलग से इसको लेके हेक्टिक हो गए सारा खेला खराब कर लोगे अपना, स्कोर आपके 50 के नीचे गिर जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लगता है सर 100 आ जाएगा, धंसते हैं आधे में। नेगेटिव मार्किंग पे जो वीडियो है उसको मैं अलग से आप लोग को बना के दूंगा, इस वीडियो के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी सामान्य ज्ञान भी जेलो, देखो इसका 20 और इसका 10 मिला जुला के टोटल 30 नंबर का ये पूछा जाएगा, 30 में मैं बोल रहा हूँ ना कि 30 में बच्चा अगर 15 भी स्कोर कर लिया, देखो ये 15, ये 8, 23, 23 में यहाँ से तो भैया हर स्टूडेंट जो जीत पॉइंट से जुड़ा है 20-25 तो स्कोर कर ही रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए आप 48 के स्कोर पे आ गए, 48 और ये 40 कितना हो गया, 88 हो गया, और 88 में 22 जोड़ दो तो भैया आप कहाँ पहुँच गए सर, 110 के स्कोर पे पहुँच ही गए। यही बात तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने मिनिमम करके दिखा ना, मिनिमम करके, यहाँ पर आपसे को मैं सीधे 10 क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मैराथन सीरीज जो हो रही है सुमन मैम हिंदी का 50-50 क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आ रही हैं, और ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, मैं 110% दावे से बोल रहा हूँ। तो बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, लगे रहो, मेहनत करते रहो। जिन लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, आखिरी के मौके हैं भैया, इस नॉमिनल चार्जेस में आप सारी चीज़ें पा जाते हो, टेस्ट सीरीज जिसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है, पूरा नोट्स, पूरा पीडीएफ, पूरा मैराथन, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर एक साथ मिलेगा। बस यही है कि आप लोगों का मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, आखिरी मौका है, ये पोस्ट हर साल आते नहीं हैं। आप मान के चलिए कि पूरे राज्य गठन के बाद शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दफ़ा भी नहीं हुआ है, और इतने लार्ज स्केल पे जो टीचर वैकेंसी हो रहा है तो मान के चलो कि अगले 3 से 4 साल तक टीचर वैकेंसी के जो अदर हैं, अभी इस साल और एक सुनने में आ रहा है वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वर्गीय शिक्षकों का भी भला हो जाए, बट अगर नहीं आता है तो फिर आप मान के चलो कि आने वाले 4 सालों तक भूल जाना, उम्र निकलने लग जाएगी, फिर तो बेरोजगारी अलग हावी हो जाएगी। तो मौका है, 5,500 पद हैं, बहुत हद तक आप लोग सेफ जोन में आ सकते हो अगर आप 15-20 दिन आखिरी के जीत फाउंडेशन से जुड़ के मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से काम किए तो, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है वो यूनिक रहती है, नई एविडेंस है, तो आप मेरे एविडेंस अपने डले हुए हैं जीत फाउंडेशन की एक शानदार जीत, 2-3 वीडियो मैंने ऐसे डाले हैं जब हमने रिकॉर्ड बनाया है आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, वहाँ मेरी पूरी बैच स्ट्रेंथ की नियरली 95-98% स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं। भैया ये किसी भी इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा होगा कि इस लेवल का रिजल्ट नहीं देता, और हम देंगे, हम आगे भी देंगे और लगातार देंगे। जर्नी आपके प्रिंसिपल से शुरू हुई थी, वहीं पर मैंने पीएससी का एकदम इतिहास रच दिया था, अभेद्य इतिहास, जिसे शायद आई डोंट थिंक सो कि कोई राज्य में तोड़ भी पाए पीएससी के इतने बड़े एग्जाम में, और हर एग्जाम में यही चीज़ हो रहा है। तो अगर तैयारी करनी है, सफल होने की तैयारी करनी है, आप 15-20 दिन साथ में चल लीजिए, आप 110% सिक्योर हो जाएंगे। 5,500 पोस्ट है भाई, बहुत नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ यहाँ पोस्ट हैं, एस्पिरेंट भी लाखों में रहेंगे, बट हाँ आप तैयारी अगर सही ढंग से करेंगे, इन स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने जो स्कोर है उसको 100% सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो, और जो भी आपके डाउट रहेंगे आप कमेंट में आप जरूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें, सिलेबस के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिनको हम लोग को स्किप कर देना है, किस पे अलग से एडिशनली फोकस ज़्यादा करना है, कहां से कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने इसको बोला, इसके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ना थ्योरेटिकल साइंटिफिक नेम पे, मैं बोल रहा हूं कि उसके मेरा 2 वीडियो जाने देना, उसके बाद आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस किस स्तर पर
चले जाएगा। जिससे सबसे ज़्यादा डरते हो ना, उस चीज़ को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि अरे सर इसका क्वेश्चन पूछने दो, मेरे से नहीं बनेगा तब बताना, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगले 15 दिन तक जिन लोग भी जीत फाउंडेशन से जुड़ के तैयारी करने वाले हैं, धुआं मचा देंगे, मेरे को ये पूरा भरोसा है, सीट लेंगे ही लेंगे, और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। बस यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक्स चाहिए, ठीक है, 2 दिन के अंदर। बाकी आप देखिए फिर उसके बाद मैराथन सीरीज जो चल रही है उसमें हम कैसा मेहनत करते हैं, सीधा क्वेश्चन लड़वा रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, या उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल भी नेगेटिव बातों को दिमाग में मत लाओ, अब की बार आखिरी बार नहीं चूकेंगे यार, और हम एग्ज़ाम देने नहीं, हम सीट लेने जाएंगे, ये भरोसा लेके आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।